ओम शांति। 15 जून 2023 की साकार मधुर मुरली। प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। प्रश्न: इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। उत्तर: यही एक कॉलेज है जहां कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है, स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ये ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं, अपना कोई बाप व टीचर नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की ही तकदीर बनती है, इससे 21 जन्मों की बनती है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं, क्यों तकदीर को क्या हुआ है? तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नरक के मालिक है तो तकदीर सोई हुई उझाई हुई है। ये कौन समझाते हैं? जो सभी की तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। ये दुखधाम है। भारत 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, सबकी तकदीर जगी हुई थी, अब तकदीर सोई हुई है। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा, बाप रचयिता है। अब तुम जानते हो भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले पहले सतयुग में 9 लाख थे, देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। ये सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता है, एडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो। फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, वह है क्रिएटर। स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्याएं पराए घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। लौकिक में ऐसे ही करते हैं ना, दूसरे घर की कन्या को एडॉप्ट करते और पति पत्नी बनाते हैं। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं, वह है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते हैं, पहले कन्या पवित्र है तो कितना मान होता है, फिर विकारी बनने से वह मान नहीं रहता। कहते हैं कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाप बैठ समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये इस समय भारतवासियों का 21 जन्म के लिए उद्धार करती है। ये सब कुमारियां हैं, भले शादी की हुई है लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने तो भाई बहन हो गए ना। काम कटारी चला नहीं सकते, पवित्रता का मान तो है ना। सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी मान है ना। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन थोड़े ही कहेंगे, धर्म तो क्रिश्चियन है ना उनका। हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो और होना चाहिए। बाप समझाते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है।
क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ तो किसको भी ये पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म का हो। सिख धर्म किसने स्थापन किया? तो कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। उन्होंने ये धर्म कैसे स्थापन किया? ये फिर तुम जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। जो जो धर्म स्थापक होते हैं वह पहले पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। ये ब्रह्मा का भी पतित शरीर है, तो उनमें ज्ञान सागर बाप आए हैं। तुम जानते हो हमारा वह बाप है, यह आत्मा कहती है। अब तुम्हें आत्मा अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है, जैसे कोई कहते हैं मैं मर्चेंट हूं, ये आत्मा ने इस ऑर्गन द्वारा कहा। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप वैट समझाते हैं मैं हूं तुम आत्माओं का बाप। मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं हूं स्टार, जैसे आत्मा स्टार है। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती, चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी है। लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफेद होता है। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं? सतयुग में इतनी शरीरधारी आत्माएं नहीं होंगी। अगर सतयुग में इतनी होती तो अब तक अरबों हो जाती। इतने तो है नहीं ना? तुम बच्चे जानते हो कि ये कोई साधु संन्यासी नहीं, ये तो बाप समझाते हैं। इस बाप का कोई बाप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप था। बेहद का बाप कहते हैं मेरा कोई बाप नहीं, न टीचर है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, टीचर होगा। सतयुग में भी टीचर तो होगा ना? हमारा कोई टीचर नहीं है, शिव बाबा का तो कोई टीचर हो ही नहीं सकता ना। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूं। मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे। ये निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं आत्माओं को। हम आत्माएं पढ़ती है, वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते हैं मैं तुमको अपना वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। सतयुग में सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहां होता नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे टीचर बनेंगे। यहां तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो, वह तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा। तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। वह है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा एक जन्म के लिए। बाप तो कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूं। ये बेहद के बाप ने कहा, उनको कोई बाप नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं। बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम हमारे कल्प पहले थे, अभी फिर बने हो। ये है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5,000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को
गुलगुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते हैं, वो होती है हद की, ये है बेहद की तकदीर। ये स्कूल है, सत्संग नहीं। सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया। बाबा तो नॉलेजफुल है, बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है कि वह है मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको सब याद करते हैं, कि इस पतित दुनिया में आओ, आकर हमको सुख घनेरे दो। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, अब सम्मुख आकर बच्चे बने हो। बाप है विचित्र, उनका कोई चित्र अर्थात शरीर नहीं है, परंतु चित्र के आधार बिगर शिक्षा कैसे देवे। इसलिए कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं, लिखा हुआ है भगवान उवाच। वह है निराकार, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि वह है सूक्ष्म वतनवासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते। तो इन बातों को कोई समझ न सके, ये है गॉड फादरली कॉलेज, भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सन्यासी है ही निवृत्ति मार्ग के, सत्युग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बनाने, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है फिर जेवर खाद वाला बनता है, आत्मा में भी खाद पड़ती है तो आयरन एजेड बन जाती है। अब सभी तमो प्रधान है, फिर तुम आत्माएं सुंदर बनेंगी तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। सत्युग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते श्याम अर्थात सांवरे बने हो, इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। एक की बात तो नहीं है, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी, अब श्याम बन गई है। आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया है। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी है, हमारे में कोई गुण नहीं है, हम कंगाल दुखी है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, भारत सिरताज था, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही है ना, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, अर्थात प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप को तो जानते ही नहीं, हम भी नहीं जानते थे, तो ज्ञान मिला तो जाना ना, कहे हाजी बाबा। ये तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसकी, यादवों और कौरवों की, जो बाप को नहीं जानते हैं। भगवान उवाच, तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वह अभी जग चुकी है, तकदीर बन जाने की ये पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा, स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉडफादर। नरकवासी माया बनाती है, तुम गाते भी हो दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में, भारत उनका घर है ना, शिवरात्रि भी यहाँ मनाते हैं, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोमरस भी कहते हैं, गोल्डन एजेड बनाने लिए नॉलेज देते हैं, तो नाम सोमनाथ पड़ा है। अभी तो भारत कितना कंगाल है, तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते।
कहाँ बैठकर पढ़ते हो? बाबा कहते कहाँ बैठकर पढ़ते हो, ये तो बड़े ते बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज है, तुम मिड गेट हो। कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ, तो मिड गेट हुआ ना। बोलता है मैं आपका बना हूँ। अच्छा अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊंगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं, समझते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन ये उन्हों का मीठा ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती है, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? वो तो रहने का स्थान है ना, और उसमें उस स्थान में ब्रह्म में अर्थात ब्रह्म लोक में आत्मा रहती है, ये तो हम सभी समझते हैं ना निश्चय से। कहे हाँ जी बाबा। वो लोग फिर कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा तो अविनाशी है, उनका पाठ बजाते ही रहना है। आत्मा को तो पाठ बजाते ही रहना है। बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, ये दादा भी भले शास्त्र आदि पढ़े हुए थे परंतु मुझे नहीं जानते थे, अब इनको भी सुनाता हूँ, इनकी आत्मा सुनती है ब्रह्मा बाबा की, मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, यह भी सुनता है इनके मुख से ही पढ़ाता हूँ, तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं, तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, 5,000 वर्ष पहले मुआफिक, सन्यासियों आदि को अपने शास्त्र ही बुद्धि में आएंगे, यहाँ कोई शास्त्र की बात नहीं, बाप को क्या याद आएगा, वह तो मालिक है। तुम याद करते हो बेहद के बाप को, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा, फादर है साकार, ग्रैंडफादर है निराकार, शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों है निराकार, ये साकार फादर, फादर भी है तो मदर भी है, इनसे तुमको एडॉप्ट करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है, एक बाप की मत पर चल अपना खाना आबाद करना है, दूसरी पॉइंट आत्मा अभिमानी बनना है, याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आज का मीठा वरदान, सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिलशाह बनने वाले बड़े दिल फ्रॉक दिल भव। विश्लेषण, सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो, जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीद रखी, कोई कैसा भी है बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी, तो आप भी अपने से दूसरों से सेवा से कभी ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो, शाह माना फ्रॉग दिल, सदा बड़ी दिल, कोई भी कमजोर संस्कार धारण करने, हाँ बाबा कहते कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो, नॉलेज फुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख विजयी बनो, जितना नॉलेज फुल बनेंगे तो माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बन सकते हैं। तो आज का हमारा स्वमान, मैं फ्रॉक दिल आत्मा हूँ, मैं फ्रॉक दिल आत्मा हूँ, स्लोगन आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। अच्छा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी पर 9:45 बजे
कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।